नमस्कार दोस्तों, सीएससी वैली वर्क सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में एक बहुत बड़ा अपडेट को लेकर, जो यहां पर 18 तारीख को अपडेट जारी किया गया था। जो न्यू रजिस्ट्रेशन फार्मर थे उनके स्टेटस में एक ऑप्शन ऐड किया गया था रिजेक्शन रीजन में कई सारे ऑप्शन ऐड किए गए थे, जो आपको परसों की डेट में अपडेट किया गया था। उस अपडेट के बारे में हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं क्या अपडेट आज की डेट में जारी किया गया है। जो फॉर्म यहां पर आपको देखने को मिल रहे थे रिजेक्शन रीजन में, कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे थे, जैसे कि आप यहां पर देख रहे थे अप्रूव्ड, या फिर यहां पर आपको रिजेक्शन रीजन में देखने को मिल रहा था पात्र, या यहां पर ओके, कई प्रकार से यहां पर ऐड किया गया था रिजेक्शन रीजन में। और आपका यहाँ स्टेटस में कोई चेंज नहीं किया गया था। अब यहाँ पर स्टेटस में भी चेंज हो चुका है, और यहाँ पर जो अप्रूव्ड लिखा था या ओके लिखा था या यहाँ पर पात्र लिखा था, ये कई तरीके से इसमें लिखा था, वो भी यहाँ पर अपडेट किया जा चुका है या अपडेट यहाँ पर हो चुका है। और यहाँ पर आपका फॉर्म भी एक्सेप्ट होने लगे हैं और एक्सेप्ट हो भी गए हैं। इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपको अपना स्टेटस ओपन करना रहेगा, जिसके लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहेगा। यहां पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। सिंपली आपको अपना स्टेटस चेक करने के लिए इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर आधार नंबर अपना डालना रहेगा, देन यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड इसमें फिल करना रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पर आधार नंबर और कैप्चा कोड डाल लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर रिजेक्शन रीजन में देखने को मिल रहा था अप्रूव्ड ओके, या यहाँ पर आपको पात्र देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर आपका फॉर्म अप्रूव्ड कर दिया गया है, अप्रूव्ड बाय स्टेट बट पेंडिंग फर्दर प्रोसेसिंग। इस प्रकार से आपको स्टेटस भी होने लगा है। यदि आपका यहाँ पर अप्रूव्ड लिख के आ रहा था, या पर पात्र लिख कर आ रहा था, या ओके लिख कर आ था, इस प्रकार से यदि आपको रिजेक्शन रीजन में लिख के आ रहा था, तो आपका फॉर्म भी अप्रूव्ड हो चुका है स्टेट की तरफ से। और कब तक ये आपका अपडेट होगा ये भी हम आगे इस वीडियो में जानकारी देंगे। इससे पहले हम यहाँ पर दूसरे किसान का भी दिखा देते हैं, यहाँ पर जिनके स्टेटस में आपको यहाँ पर ओके लिख कर आ रहा था या यहाँ पर अप्रूव्ड लिख के आ रहा था, उनके भी फॉर्म यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुके हैं, अप्रूव्ड हो चुके हैं। दूसरे किसान का भी यहाँ पर आपको अप्रूव्ड बाय स्टेट बट पेंडिंग फर्दर प्रोसेसिंग इस प्रकार से दिख रहा है। और यहाँ पर फार्मर नेम वेरीफाइड इन अपलोड खतौनी, इस प्रकार से आपको अपडेट शो होने लगे हैं। जो अपडेट है ये आज की डेट में अभी अभी जारी किया गया है, ये न्यू अपडेट जारी किया गया था। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि हमारे रिजेक्शन रीजन में अपडेट का यहाँ पर आपको अप्रूव्ड का ऑप्शन ऐड किया गया है, या फिर यहाँ पर पात्र का ऑप्शन ऐड किया गया है, या रीजन में ओके का ऑप्शन ऐड किया गया था, तो उनके फॉर्म यहाँ पर अप्रूव्ड हो चुके हैं। अपना जाके स्टेटस जरूर से चेक कर ले कि आपका फॉर्म यहाँ पर अप्रूव्ड हुआ नहीं हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के फॉर्म यहाँ पर अप्रूव्ड कर दिए गए हैं, जिनके स्टेटस में यहाँ पर रिजेक्शन रीजन में देखने को मिल रहा था अप्रूव्ड या ओके या पात्र, या कई ऑप्शन और यहाँ पर होते हैं ऐड किए गए थे, वो भी यहाँ पर फॉर्म अप्रूव्ड हो चुके हैं। जल्दी से जाके अपना स्टेटस जरूर चेक करें। और ये कब तक आपका अपडेट होगा, यहाँ पर आप कब तक आपका बेनिफिशरी लिस्ट में नाम ऐड किया गया जाएगा, इसमें करीब आपको 72 घंटे का समय लग सकता है। 48 से 72 घंटे में आपका यहाँ पर बेनिफिशरी लिस्ट में नाम ऐड कर दिया जाएगा। जब आपका नाम यहाँ बेनिफिशरी लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा तो आप अपना स्टेटस चेक कर पाओगे। अभी आप अपना स्टेटस नहीं चेक कर पाओगे, यहाँ पर आपका फॉर्म तो अप्रूव किया गया है लेकिन अभी फर्दर प्रोसेसिंग में चल रहा है, अभी आपका यहाँ पर स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है। जब तक कि आप यहां पर बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम ऐड नहीं होगा, तब तक के अपना यहां पर स्टेटस अभी नहीं चेक कर पाओगे। जब आपका यहां पर बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम ऐड हो जाएगा तभी आप जाके अपना स्टेटस चेक कर पाओगे। स्टेटस कैसे चेक करना है, इसके लिए हमने पहले से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देख कर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। जो यहाँ पर न्यू अपडेट परसों की डेट में जारी किया गया था उसका भी वीडियो हमने बनाया था। यदि आपको कोई शंका है, कोई दिक्कत है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और यदि कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा।